बाबू ये देख, दिख रहा है कैसा लग रहा है? क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, सामने देखो बिल्डिंग में फ्लैग लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया को जो है आज़ादी मिलके 75 ईयर्स कंप्लीट हो गया। सो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एक बार आज़ादी की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सो दोस्तों, जैसे कि आज मैं जो है एक साथ आप लोगों को कस्टमाइजेशन के लिए बैट कहाँ कहाँ से आया है, और ये जो विश्वास है लोगों का हमारे पास भिजवाते हैं, ये हमारा जो इनकम है ये विश्वास ही है कि आप लोग हमारे पास बैट भिजवा रहे हो। ये सारा जो आप बैट देख रहे हो, देखो इधर भी जो एक काम चल रहा है, ये बैट में अभी जो आप ऐसा देख रहे हो ये बेसिक बैट देख रहे हो, हालांकि ये बैट अभी बन गया हुआ है, लेकिन ये देखो पार्सल जो है पुणे से आया है दो बैट। इवन मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर जो है, डॉक्टर जलगांव से, उन्होंने उनका दो बैट भिजवाया हमारे पास कस्टमाइज करने के लिए। क्या बोलते बाबू, इससे पहले भी उन्होंने बैट अपने को भिजवाया था। सो ये देखो, ये बैट जो है डॉक्टर साहब का है। ये बैट जो, इसमें क्या है कि बैट जो है पहला वजन था थोड़ा सा। बैट एक बार हाथ में लेके दिखाओ लोगों को, अभी कैसा लग रहा है बैट? एकदम हल्का लग रहा है, जैसे कि बैलेंस लग रहा है, एकदम हल्का लग रहा है। ठीक है, एकदम हल्का नहीं होता, बैलेंस लग रहा है, और जितना बैट का वेट जरूरत है वो हमने कर दिया है। हालांकि जब पहले आया था बैट सब वजन वाले थे, मतलब मॉइस्चर पकड़ लिया था इसलिए। हालांकि ये देखिए, ये दो दो साल पुराना एमसीसी का बैट है, कोई तो कस्टमर है उन्होंने भिजवाया था। ठीक है, देखो टूट भी गया हुआ है, हैंडल भी किया हुआ है, और क्या बोलते हैं बैट जो है अभी ये हल्का होगा, ये बैट रेडी नहीं हुआ है, जानबूझ के हमने रखा है कि ऐसा। देखो वजन वाला बैट आता है अपने पास, और खाली एमसीसी का नहीं, बहुत सारे कंपनी का इसमें आया हुआ था बैट, बहुत सारे। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत अच्छा बैट था सारे कंपनी का, लेकिन जैसा दिन जाता है वैसा मॉइस्चर ऐड होता है तो वजन बढ़ता है, इसलिए बैट हमारे पास बनने के लिए आया है। सो हर एक कंपनी बहुत बढ़िया था, बहुत क्लास था, अच्छा बैट था। और एक चीज़ है स्पेशल जो मैं बताना चाहूँगा, देखो हमें अपना क्लाइंट ने एक लव लेटर भिजवाया है। लव लेटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें तो ऐसा कभी किसी ने भिजवाया नहीं, जरा खोल के बताओ। देखिए ये जो कस्टमर है, देखिए ये कस्टमर का ये वाला बैट है, बहुत पुराना बैट है एमसीसी का, 3 साढ़े 3 साल पुराना। जबकि हालांकि एमसीसी ऐसा बैट अभी बनाते नहीं है, बहुत अलग लेवल का बैट बनता है एमसीसी का। देखो उन्होंने जो है हमें ये लेटर जब भिजवाया, हमने खोला और जब चेक किया इसके अंदर था, इतना खुशी हुआ यार। मतलब लोग इतना भरोसा करते कि लिख के भिजवा देते कि प्रिय एमसीसी स्पोर्ट्स, मेरा बैट आपके पास मैं भेज दिया हूँ। इस बैट का वजन 1000 ग्राम के आसपास है, लेकिन देखो 850 से 900 ग्राम तक हल्का करके दीजिए। ठीक है, ये मतलब बेसिक लिखा हुआ है जो, देखिए मैं बता रहा हूँ, धन्यवाद सर जी, जो भी है बहुत बड़ा लेटर है अभी, लेकिन अच्छा लगा, ऐसा प्यार भरा लेटर हमें किसी ने आज तक भिजवाया नहीं है। सो हम लोग ने जो है उनके हिसाब से ये बैट जो है अभी बेसिक बनाया। अभी किसी को और पूरा रेडी बैट कस्टमाइजेशन देखना होता है तो बहुत बड़ा रहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ 4-5 अलग वीडियो कि एमसीसी बैट को कैसा कस्टमाइज करके बनाता है। देखिए पूरा नया बना के देता है, और जिसको भी भिजवाने रहता है वो लोग पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से भिजवाते रहते हैं हमारे पास, तो बन के नया बन के जाता है। तो ये बैट भी जो है बेसिक लेवल पे अभी ये बैट बन गया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये कोलकाता का क्लाइंट है, उन्होंने भिजवाया है, तो ये बेसिक लेवल पे बन गया हुआ है। अभी इस पर पॉलिश होगा, पॉलिश होने के बाद जो है रेडी होगा, ग्रिप चढ़ेगा, पूरा रेडी होके फिर कस्टमर के पास जाएगा पैकिंग होके। ये जो पैकिंग है देखिए, इसमें कस्टमर का नाम भी आप देख लीजिए एक बार, फ्रॉम कुणाल आर पवार पुणे से। इसके बाद जो है अतुल कुमार कहाँ से, ये छत्तीसगढ़ से। देखिए ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग जो है बैट भिजवाए। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, अभिषेक दास हावड़ा, ये क्या है ना, एक विश्वास है, ये लोग आप लोग भिजवा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सो आज का बहुत बड़ा बढ़िया दिन था हमारे लिए, क्योंकि आज जो है आज़ादी का दिन जो है कंप्लीट हुआ है, 75 ईयर्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फिर से एक बार आप सभी को। और साथ में अपना ख्याल भी रखिए, सुरक्षित रहिए, और आने वाला जो नया सीज़न है आपको अगर पता रहेगा क्रिकेट का, जो बारिश के बाद चालू होगा, उसका बहुत जोरदार एमसीसी जो है तैयारी कर रहा है। हालांकि यहाँ आप देख नहीं पा रहे हो, कहीं और काम चलता है, और नेक्स्ट मंथ से जो है उसके बारे में भी अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में देखिए बहुत छोटा सा हमारा सेटअप है, बहुत बड़ा नहीं है, दो सेटअप है अपना, ये एक है और एक है, तो जो भी आप देखते हो ऐसा नहीं हम लोग कुछ छुपाते, जो भी है इसी के ऊपर काम चलता है, और आप लोग का प्यार सपोर्ट रहता है इसी के ऊपर हम लोग चला रहे हैं। बहुत बढ़िया करेंगे, और अगला सीजन जो अगर आप लोग का साथ रहा तो और बढ़िया चलेगा। क्या बोलता है बाबू?
और बाबू कुछ मैसेज देना चाहोगे प्लेयर लोगों को, खासकर प्लेयर और ऑडियंस जो वीडियो देखता है उनको बैट में क्या चीज देखना चाहिए जरा बताओ। बाबू लगता है खुद ही कंफ्यूज है। मेरे ख्याल से तो बैट में बैलेंस देखना जरूरी है। क्या है कि थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है, जमता नहीं है कैमरा में, किसी किसी को बोलने तो वैसा हो जाता है। तो बैट में ज़्यादातर बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, बैट का डिज़ाइन नहीं, बैट का क्वालिटी और बैट में जो भी डिज़ाइन लगा है उसमें बैलेंस देख के आप कोई भी कंपनी का बैट खरीदो, ये सब चीज़ देखो, बिंदास लो। ऐसा नहीं कि MCC का बैट लेना होता है और किसी को कस्टमाइज़ के लिए भिजवाना होता है तो बिंदास ज़रूर आप भरोसे पे भिजवाइए, भरोसे पे बन के आ जाएगा। ठीक है, साथ में प्यार मोहब्बत जताइए क्योंकि MCC स्पोर्ट्स सिर्फ हमारा नहीं है, आप सभी लोगों का है। ठीक है, धन्यवाद।